नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं, सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन्हें जन सेवाएं पब्लिक सर्विसेज कहते हैं। इन जन सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराना ही जन नागरिक सेवा प्रदायगी पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी कहा जाता है। वस्तुतः सरकारी सार्वजनिक सेवाओं को स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए सीवेज एवं कचरा निपटान, सड़क की सफाई, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं आदि। नागरिक सेवाओं को गुणवत्ता के साथ साथ समय पर जनता तक पहुंचाना आवश्यक है, तभी शासन एवं प्रशासन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। परंतु वर्तमान में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न परिवर्तनों एवं बढ़ती जटिलताओं के कारण नागरिक सेवाओं की नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पहुंच सुनिश्चित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। वस्तुतः 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण LPG की परिघटनाओं के विकास के साथ वैश्विक एवं राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर शासन और प्रशासन में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक बदलाव आने शुरू हुए। 1980 के दशक में सतत विकास एवं 1990 के दशक में मानव विकास की अवधारणा ने जन्म लिया, जिससे सुशासन की अवधारणा पर बल देना आवश्यक हो गया। समय के साथ सामाजिक आर्थिक विकास को न्यायपूर्ण एवं मानवीय बनाने के उद्देश्य से नागरिक घोषणा पत्रों की नवीन अवधारणा का विकास हुआ। जन अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों को मूलभूत सेवाओं की समय पर प्रदायगी, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण जैसे लक्ष्य न केवल नागरिक अधिकार सशक्तिकरण के लिए बल्कि राज्य एवं सिविल सोसाइटी की मजबूती के लिए भी आवश्यक समझे जाने लगे। इसी संदर्भ में नागरिक घोषणा पत्रों की आवश्यकता महसूस की गई। ध्यातव्य है कि नागरिक घोषणा पत्र का संबंध सुशासन की स्थापना से है एवं सुशासन की एक शर्त के रूप में नागरिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी आवश्यक है। क्या है नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर? नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। नागरिक घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है। नागरिक घोषण पत्र सुशासन के तीन महत्वपूर्ण घटकों यथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में नागरिक घोषणा पत्र गौरतलब है कि ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए 1991 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया। भारत में 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिए नागरिक घोषणा पत्र लाने के प्रयास किए जाएं। इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया। 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणा पत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आदर्श नागरिक घोषणा पत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। इसके अनुसार घोषणा पत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होने चाहिए। विजन एवं मिशन का विवरण, संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण, संगठन से जुड़े ग्राहक समूहों का विवरण, ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण, जन शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी। चार्टर का सरल होना आवश्यक। सेवा प्रदायगी में नागरिक घोषणा पत्र की भूमिका सेवा प्रदायगी को बेहतर करना अर्थात सार्वजनिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। नागरिकों के प्रति अधिकारियों की एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को सुनिश्चित कर प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होता है। नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहां संपर्क करना है। कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है। नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है। नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने के उपाय। आदर्श नागरिक घोषणा पत्र संहिता का पालन किया जाए। नागरिक घोषणा पत्र बनाते समय शोध और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी व परामर्शी बनाने के लिए नागरिक समाज एवं मीडिया की प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जन प्रतिक्रियाओं के आधार पर नागरिक घोषणा पत्र में सुधार किया जाना चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ग्राहकों की अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र का मूल्यांकन वर्ष 2002-03 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग ने एक निजी एजेंसी द्वारा तथा वर्ष 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विभागीय नागरिक घोषणा पत्रों का मूल्यांकन और निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया गया। अधिकांश नागरिक घोषणा पत्रों का प्रारूप ठीक नहीं होता तथा उसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव होता है। अधिकांश घोषणा पत्रों के निर्माण में पारदर्शिता एवं परामर्शी प्रक्रिया का अभाव होता है। नागरिक घोषणा पत्रों में नवोन्मेष एवं अद्यतन जानकारियों का अभाव होता है। समय समय पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता। जागरूकता एवं जागरूकता प्रसार के प्रयास का अभाव पाया गया। लोक संगठनों में नागरिक घोषणा पत्र के प्रति रुचि का अभाव देखा गया। निष्कर्षत नागरिक घोषणा पत्र नागरिक सेवाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा सुशासन की स्थापना करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। भारत में नागरिक घोषणा पत्र। भारत में अधिकांश विभाग अब अपनी वेबसाइटों पर नागरिक चार्टर रखने लगे हैं। जन लोकपाल विधेयक में भी इसका प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों ने एक विशेष विधेयक लाकर कुछ सेवाओं की समय सीमा तय कर दी है, जिसे पूरा न करने पर संबंधित अधिकारियों को दंड देना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आम आदमी के लिए जानकारी पूर्ण है तो कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमें और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा, और साथ ही कमेंट करना न भूलें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot of watching the video. Please feel free to give suggestion, send motivational videos for the of benefit society, raise your voice by making and sending plays, stories etc. Let us create awareness together. Please feel free to call us if you require any help. You can also be a part of our team or channel as a member or associate. Please call us our contact phone no at 98180039990 or on another phone no at 95400039999 or email at info.consumertimes@gmail.com. Visit our website www.consumertimes.in. Please like this video. Please like, share and subscribe our channel will motivate our team to work hard. Thank you.